नमस्कार साथियों, बायवर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, झारखंड पैरामेडिकल 2024 की एग्जाम होने वाली है, अगले मंथ ही आप लोगों की, ठीक है। बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो बहुत सारे छात्रों के मन में, स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन आता है कि कितना नंबर्स ले आऊं ताकि मैं पास हो जाऊं, या कितना नंबर्स मिल जाने पर मुझे पास माना जाए या मुझे कॉलेज मिल जाएगी। तो उसको लेकर के आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। थोड़ा सा समय देना होगा, क्योंकि अगर आप खुद से, मैं सारा पीडीएफ भी आपको सेंड कर दूँ और खुद से आप ढूंढने लगे तो भी आपसे शायद 2-4 घंटे में नहीं होने वाली है, बट 3 से 4 मिनट के अंदर मैं आपको सारा चीजें समझा देने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वैसे पासिंग मार्क किसको माना जाता है, इतने मार्क्स जितने पर आपको कॉलेज मिल जाए, सीधी सी बात है कि वो पासिंग मार्क है। सर, कॉलेज कौन सा, जो गवर्नमेंट कॉलेज हो, है ना। प्राइवेट कॉलेज के लिए तो आप ऐसे भी उसका नॉर्मल सा एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो जाकर के दोगे, जो पैसा उनको 3 लाख 2 लाख जो भी लगेगा वो हो जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज में क्या है, 20 से 25 हजार में आपका पूरा कोर्स कम्प्लीट हो जाता है ना। तो पासिंग मार्क वही हुआ जितने मार्क्स पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, है ना, कि वो कम से कम कितना मार्क्स है जितना लाने पर हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो एक्चुअल में आप लोगों के हिसाब से वही मार्किंग पासिंग मार्क्स हुआ, है ना। चलो, तो ये हम लोग किस तरह से डिसाइड करेंगे कि कितना पासिंग मार्क होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ से पिछले ईयर के रिजल्ट डाउनलोड करने होंगे, यानी कि 23 वाले जो सेशन हुए थे उनके रिजल्ट, और टोटल थर्ड राउंड तक, है ना, थर्ड राउंड यानी कि लास्ट राउंड तक कितने नंबर वाले तक को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गई, वही आपका क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क हो जाएगा। मान लो कि सबसे अंतिम में, मान लो कि सबसे अंतिम वाले स्टूडेंट को कितना नंबर था फिर भी उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, तो वही पासिंग मार्क हुआ, है ना। तो चलो, इसके लिए मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए डाउनलोड करके रखा है, ये देख सकते हैं आपके सामने लिस्ट है थर्ड राउंड का, है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो थर्ड राउंड का ये आपके सामने लिस्ट है। और थर्ड राउंड में किस कैटेगरी से, हाँ बहुत सारे बच्चे को होगा सर कैटेगरी वाला लेवल बताइएगा, किस कैटेगरी से कम कितना मार्क्स आया। तो मैंने एक कॉलेज जो आप लोगों के दिमाग में खास तौर पर रहता है, रिम्स, है ना, तो रिम्स कॉलेज के लिए सारा डाटा इसमें से एक एक करके, पिछले 3 घंटे से मैं इस पर काम कर रहा था तब जाकर के मैं एक एक डाटा करके फाइंड आउट कर चुका हूँ, जो कि रिम्स को लेकर के है, है ना। अगर रिम्स का मार्क्स हमने दिखा दिया कि इतना, कम से कम इतना मार्क्स पर आपको रिम्स मिल जाएगा, तो अदर कॉलेज तो मिलेगी ही मिलेगी, है ना, क्योंकि टॉप मोस्ट कॉलेज रिम्स आते हैं आपके पैरामेडिकल के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर रिम्स करके टाइप करूँ तो फिर आपको दिखा दूंगा कि कितने सारे कॉलेज हैं रिम्स के और उसमें किस किस हिसाब से मिले, है ना। तो ये हुआ, प्लस में यहाँ से आपको सीएमएल रैंक देखना होता है और तब जाना होता है आपको रिजल्ट वाला, है ना, एक चार्ट से काम नहीं होता। फिर आपको क्या करना होगा, 2023 के रिजल्ट डाउनलोड करने होंगे, वहां पर इनके जो रोल नंबर है वो डालने होंगे, तब जाकर के उसका क्या निकलेगा, आपको निकल के आएगा कि कितना मार्क्स पर उनको कॉलेज मिला है। सपोज एग्जाम्पल, मैं सबका डाटा फाइंड आउट करके अलग रखा हूँ, जिस पर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस सीधा देख लेना, है ना। बट मैंने कितना क्या किया वो आपको दिखा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और रिम्स कॉलेज का सबसे लास्ट में मैं दिखाता हूँ, जस्ट एग्जाम्पल, है ना, 1 से 2 मिनट आपको समय देनी है और वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा मेहनत लगाने के बाद ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, है ना। तो चलो, लास्ट में रिम्स कॉलेज हम लोग देखते हैं कि लास्ट कितना तक रिम्स कॉलेज मिला हुआ है, ठीक है, और इस हिसाब से हम लोग पता कर लेंगे। यहाँ पर आइए, मैं सबसे नीचे जा रहा हूँ, सबसे नीचे, है ना, और ये थर्ड राउंड के हैं, इसके बाद सारे कॉलेज के सीट्स भर जाते हैं इसी पर। यहाँ पर आओ, एससी कैटेगरी के लिए हम लोग देख रहे हैं, है ना, एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पर देख रहे हैं कि एससी कैटेगरी से सीट अलॉट हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट रिम्स रांची, ठीक है, रिम्स रांची में। चलो, अब इसका रोल नंबर आप लोग देख लो दोस्तों, सीएमएल रैंक तो आपने देख लिया 3616 है। अब इसका देखो रोल नंबर, देखो रोल नंबर कितना है, 70710। अब हम लोग रिजल्ट में जाकर के 70710 टाइप करेंगे तब इसका प्रॉपर हमको निकल के आ जाएगा कि फिजिक्स में कितना आया है, केमिस्ट्री में कितना आया है और टोटल मार्क्स कितना आया है इसका। 70710 हमने टाइप करा
और फिर हमने सर्च करना शुरू कर दिया है ना। तो जैसे हम सर्च करेंगे तो हमारे पास डाटा आ जाएगा इस पर्सन का, ठीक है। यहाँ पर चलो नाम पढ़ लो आप लोग, क्या नाम था इस बच्चे का, देखो शिकार टूडू, ठीक है, शिकार टूडू करके नाम है। यहाँ पर भी देखो शिकार टूडू आ गया, यहाँ पर आप लोगों को शो रही है, जूम कर दो, ये देखो शिकार टूडू मिला यहाँ पर। अब चलो इसका मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि टोटल मार्क्स कितना है ना। कैसे पता चलेगा सर, ये देखो थोड़ा सा समय देना दोस्तों, बहुत ज्यादा मेहनत करे हैं ताकि समझा पाऊं आप लोगों को और आप लोगों को इस पर पूरा विश्वास हो। यहाँ पर देखो ये टोटल मार्किंग वाला बॉक्स है, तो ऊपर से भी जो आएगा उसमें टोटल मार्किंग वाला बॉक्स यही रहेगा, ठीक है। टोटल मार्किंग इसका देखो कितना है, 6.25 है ना, यानी कि 6.25 मान लेते हैं, 6.5 मार्क्स पर इसको कॉलेज मिला है, ठीक है। अब देखते हैं कि कितना कितना मार्क्स इसको प्राप्त हुआ। ये देखो ये फिजिक्स वाला हो गया बॉक्स यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, ये केमिस्ट्री वाला बॉक्स दिख रहा है दोस्तों, और ये बायोलॉजी वाला बॉक्स दिख रहा है। नीचे वाला बॉक्स से कंपेयर करना, ऊपर में भी सेम टू सेम ऐसा ही है ना। तो यहाँ पर देखो इसको केमिस्ट्री में जो ये फिजिक्स में जो मार्क्स प्राप्त हुए 2.5 प्राप्त हुई है, केमिस्ट्री में माइनस में ही चला गया है 1.25, और बायोलॉजी में इन्होंने हमें लगते हैं कि 2 क्वेश्चन कम से कम सही करे होंगे ताकि माइनस में भी आकर के इसको मार्क्स, 2 नहीं 1 क्वेश्चन पर 1 मार्क्स मिलते हैं, तो कम से कम ये 7 से 8 क्वेश्चन सही किए होंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो बायोलॉजी में टोटल 5 मार्क्स इन्हें प्राप्त है, ठीक है। तो इस हिसाब से इन्हें कॉलेज मिला है, क्लियर है। यहाँ पर देख लिए जो इसको कॉलेज मिला हुआ कौन सा, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट रिम्स रांची, ठीक है, एनेस्थेसिया कोर्स मिला है। तो सबसे लोवेस्ट लेवल पर हमने आपको जाकर के दिखाया। अब चलिए देखते हैं सबके लिए, तो हर एक का इतना सर्च करके आपके पास टाइम नहीं है, और मैं भी दिखाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो सबका डाटा मैंने अलग करके लिख चुका हूँ, तो चलिए वो आपको दिखा रहा हूँ, है ना। उससे पहले दोस्तों एक जानकारी और दे दूं, झारखंड पैरामेडिकल बीएससी नर्सिंग या एएनएम जीएनएम की अगर आप तैयारी करते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बायोबल टेस्ट सीरीज लेकर के आया है, जिसमें आपको सप्ताह में 3 टेस्ट होती है प्रत्येक सप्ताह, और ये टेस्ट कब तक चलेगी, आपके एग्जाम तक। पहला टेस्ट जो होगा वो चैप्टर वाइज होगा, यानी किसी खास चैप्टर का देकर के पूछ लेंगे, सेकेंड चैप्टर पूरा सिलेबस से होगा, और थर्ड चैप्टर जो है पिछले साल जो पूछे गए हैं, पिछले 5-6 साल में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनसे, और ये सब मात्र 100 रुपीज में, और इसके साथ आपको चैप्टर वाइज नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए फटाफट से इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, है ना, कैसे पेमेंट करना है, किस ऐप पर टेस्ट देना है। अब आइए आपके लिए हमने रिम्स जो रांची में है उनके लिए हमने सारे कैटेगरी के रैंक को प्लस में मार्क्स को हमने यहाँ पर लिख रखा, और याद रहे ये 2023 वाला मार्क्स है, है ना, ये 2023 में इतने मार्क्स पर मिल गए। तो सर 2024 के लिए, 2024 के लिए अभी मैं बताऊंगा कि कितने मार्क्स आपको चाहिए, है ना, इतने आने पर नहीं होने वाली है। याद रखो दोस्तों मैंने हर जगह बढ़ा बढ़ा के रखा है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट बढ़ा के रखा है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि यूआर यानी कि अनरिजर्व जो होता है, इस पर कोई भी कैटेगरी के जा सकते हैं बच्चे जो टॉप मार्क्स लाए, तो कम से कम 35 मार्क्स जिसको आया हुआ था तो यूआर से उसको रिम्स में कॉलेज मिल गया। अगर बीसी टू की बात करें तो बीसी टू को ज्यादा मार्क्स लाना होता है ना, तो इसको 39 नंबर लाने पर रिम्स मिला था। बीसी वन की बात करें तो 34 नंबर लाने पर रिम्स मिला था। ईडब्ल्यूएस को सबसे कम यानी 12 नंबर लाने पर रिम्स कॉलेज मिल गया था। एससी को 23 और एसटी को 13, ठीक है, इतना पर सबको रिम्स मिल गया था। तो सर अब 24 के लिए क्या प्लान है, 24 में कितना नंबर लाया जाए कि हमें रिम्स मिल जाएगी। तो दोस्तों अब जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनते जाओ, अगर आपको निश्चिंत होकर के, मतलब कि निश्चिंत होकर के कि इतना नंबर आ गया तो मैं सोया हुआ हूँ, तो इस सब में आप लोग +20 कर लो। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सपोज अगर आप बीसी टू से बिलोंग करते हो तो 39 + 20 कर लो, यानी कि अगर आपका 60 मार्क्स आया हुआ है तो आप सो जाओ, रिम्स वाले आपको कॉल करके बुलाएंगे कि आ जाओ मेरे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। और नहीं, कम से कम कितना मार्क्स सर जिस पर हमें कॉलेज मिल जाएगी, तो आप +10 करते जाओ सब में, है ना।
प्लस टेन करते जाओ, क्योंकि हर साल कंपटीशन लेवल बढ़ता है और नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ता है, तो इस वजह से ठीक है। और यहाँ पर आप ज्यादा नहीं, एसटी में ज्यादा नहीं, पांच ही ऐड कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर आ गए आपके 45, 49 यानी कि 50, 44, 22, 33 और यहाँ पर हो गए आपके अप्रोक्स 20 ले लेते हैं। अगर इतना मार्क्स आपको आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट कंफर्म हो जाएगा, आपको कोर्स मिल जाएगी। अगर आपको रिलैक्स होके रहना है तो 60 प्लस आपको नंबर लाना है, यानी कि जिस भी कैटेगरी के हो, मान लो EWS का बच्चा है, वो चाह रहा है कि सर हम भी कंफर्म होना सोना चाहते हैं एग्जाम देने के बाद, तो आपको क्या करना है, 12 प्लस 20 इतना नंबर लाना है और सो जाना है। अगर आपका 32 नंबर्स आ जा रहा है तो आपको सो जाना है, निश्चिंत होकर के आपको कॉलेज कॉल करके बुला लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों का जो पासिंग मार्क वाला था आज से आई थिंक क्लियर हो गया होगा, अब किसी तरह की डॉट नहीं रहेगी। तो इस चैनल को, इस वीडियो को और इस चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके लाए हैं। अगर आप लोग कहिएगा तो मैं PDF बायोवर्ल्ड के टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, ठीक है। वहां पर आप लोग खुद से देखिएगा कितना मेहनत लगता है एक का फाइंड आउट करने में, किसी एक स्टूडेंट का, है ना। वीडियो को अपने दोस्त लोग के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर बने रहिए, क्योंकि अभी से एग्जाम तक आप लोगों को सारी जानकारी दी जाएगी। और सुबह 8:30 में यूट्यूब पर बायोवर्ल्ड चैनल पर फ्री क्लासेस होती है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, तो आप लोग जरूर उसको ज्वाइन करें। बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।